तो भैया स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और फाइनली अब जाके हुआ इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन मैच। तो उसी अवसर पे हमारे बीच मौजूद है चचा, जिनको आपने कल की वीडियो में भरपूर प्यार दिया। हम बोल ही रहे थे कि हमें रखो, तुम ही हो कि ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा वो छोड़ो, अभी कुछ है कहने को कि नहीं या बकवास ही करनी है? अरे बिल्कुल है, कहे नहीं होगा कहने को। लो सुनो कि कल सोते सोते ना जाने कैसे टूट गई हमारी खटिया, कि कल सोते सोते ना जाने कैसे टूट गई हमारी खटिया, आखिरी दो बॉल पे गर्दा मचा दिए वारे हमारे तेवटिया। अरे वावा करो। हाँ वावा, दिल से नहीं कर रहे हो तुम। चलो अच्छा अगला सुनाते हैं, बोलो इरशाद। ये कौन है अब? अरे है कोई नहीं, बोला जाता है इसे। अच्छा ठीक है, इकरात। अरे इकरात नहीं यार, इरशाद। रहने दो, मैं इसे ही सुना देते हैं। कि इस नवरात्रि तुम भूल ना जाना खेलना डांडिया, कि इस नवरात्रि तुम भूल ना जाना खेलना डांडिया, अच्छा हुआ गुजरात जीत गई वरना मिलर को जिंदा ना छोड़ते पांड्या। अब रुक जाओ थोड़ा, अब हम भी बात कर ले, बाकी बीच में सुना लेना। अरे बिल्कुल भतीजे हो तुम हमारे, तुम्हारे लिए हम जान भी दे दें पर मांगना नहीं है। तो भाई सच में बता रहा हूँ, कल अगर गुजरात हार जाती ना तो पांड्या सच में मिलर को मार दिए होते, क्योंकि पता नहीं उस समय मिलर ने क्या गजब का काम करा कि जब 7 बॉल पे 20 रन चाहिए थे तो मिलर आते और जानबूझ के एक सिंगल के लिए खेलते और सिंगल ले लेते हैं, वरना वहां पे कोई भी होता तो सीधे बाउंड्री के लिए जाता, क्योंकि अगर आउट हो जाते तो भी अगले ओवर में पांड्या ही आते और अगर आउट नहीं भी होते तो चौका मिल जाता, क्योंकि सिंगल लेना तो किसी भी सेंस में सही नहीं था जब दूसरे एंड से पांड्या खेल रहे थे जो ऑलरेडी टिके हुए थे, जिसका नतीजा साफ साफ देखा गया कि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं मिलर को कुछ ना कुछ सुनाते हुए भी नजर आए, पर सब कुछ आखिरी में तेवटिया ने आके बराबर कर दिया, इसलिए सारी बातें दब गई होंगी। और कल जैसे ही तेवटिया ने आखिरी 2 बॉल पे 12 रन मारे तो हिस्ट्री ने भी अपने आप को रिपीट कर लिया, क्योंकि कुछ साल पहले आपको याद होगा कि पंजाब के खिलाफ पुणे सुपर जायंट्स का मैच चल रहा था और आखिरी 2 बॉल पे जब 12 रन चाहिए थे तब धोनी ने ऐसे ही आखिरी 2 बॉल में छक्के मार के मैच जिताया था। बाकी अक्सर हमने ये सुना है कि लोग चलो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, बट तेवटिया का ऐसा है कि जब प्रेशर हो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगर नहीं हो तो फिर ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हैं। बाकी कल के मैच में एक और चीज देख के बड़ी खुशी मिली कि पांड्या कहीं ना कहीं कल फिनिशर वाला काम करने आए थे। हाँ ये बात जरूर सही है कि वो काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया या फिर शायद कंप्लीट भी हो जाता अगर मिलर ने आखिरी बॉल पे स्ट्राइक नहीं ली होती, क्योंकि भैया देखो पांड्या कैसे भी फॉर्म में हो पर उनकी इस काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता कि वो आखिरी ओवर में 19 रन नहीं बना सकते। पर कल के मैच में सिर्फ बैटिंग ही नहीं, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी खासी करी अगर हम आखिरी ओवर को इग्नोर कर दें। पर ये भी सच है कि अगर कल पंजाब जीत गई होती तो भाई कोई भी उस आखिरी ओवर को इग्नोर कर नहीं पाता, क्योंकि लास्ट विकेट पे इतना महंगा ओवर कहीं ना कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं होता। पर जैसा मैंने कहा गुजरात जीत गई तो भैया सब लोग सब कुछ भूल ही गए। बाकी शुभम गिल ने भी अपने पुराने मैच के फॉर्म को पूरे तरीके से जारी रखा, बस दुख यही था जैसा मैंने कहा कि यार शतक से चूक गया बंदा। अगर कल शतक पड़ गया होता तो कहीं ना कहीं एक अंग्रेज के साथ साथ एक भारतीय का शतक भी हो गया होता इस आईपीएल में। बाकी भैया बात करें पंजाब से लिविंग स्टोन की, तो वो तो ऐसा आदमी कि उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसको ड्रेसिंग रूम से जब ये निकल रहा है इसको कोई चाबी देके छोड़ देता है कि जाओ भैया मारो, कुछ मत देखना, कोई लॉजिक मत सोचना, कुछ सिचुएशन मत सोचना, सही गलत मत सोचना, जहां बॉल मिले बस लपेटो। हाँ ये सब कुछ नहीं सोचना है कि कितना लंबा मारना है, किस साइड पे मारना है, कितना दूर मारना है, बस जाना है और मारना है। लेकिन भाई सबसे कमाल की बात ये हुई कि जहां शुभम गिल चले और लिविंग स्टोन चले तो हमने जो अपनी कल दोनों ही गेम्स की टीम बनाई थी दोनों में ही जो कप्तान थे एक में शुभम गिल थे और एक में लिविंग स्टोन थे, तो आप समझ सकते हो कि दोनों ही टीमों ने कल एक साथ मुझे फायदा कराया। इसलिए कहता हूं भैया यही फायदा है दो टीम के साथ जाने का, सिंपल सा लॉजिक है, दो टीम के साथ जाके 100 रुपए की लीग खेलोगे, भले ही एक टीम 0 प्रॉफिट भी करे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दूसरी 100 की 10,000 प्राइस दे चुकी होगी, क्योंकि एक ना एक तो चलनी होती है, इसी तरीके का ही अपन टीम बनाते हैं। तो भाई जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करो और टेलीग्राम ग्रुप को खास कर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भैया अभी तो 90% ऑफ पे आप लीग खेल सकते हो, मतलब सिर्फ 10 रुपए लगा के 100 रुपए की लीग सीधे। और जब ऐसा होगा तो बस इमेजिन करो कि 100 वाली लीग में तो कंपटीशन कितना कम हो जाएगा, और जब कंपटीशन एकदम कम हो जाएगा तो प्रॉफिट तुम्हारा अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। और भैया मैं जैसा कहता हूं कि ये जो ऑफर्स होते हैं वो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए होते हैं, तो भैया नीचे दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करना, बाकी ऑफर कोड हर मैच के साथ बदलता है तो वो जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो तो सिंपल टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना क्रिक टाइम विद जोशी। बाकी कल की हमारी बेस्ट फैंटेसी टीम क्या होगी वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। और याद रखना कि दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट योर ओन रिस्क। बेटा तुम कहे थे कि बीच में बुलाओगे और बुलाए नहीं, यहाँ लिख के बैठे मस्त लाइन। अरे चचा अच्छा सुनाओ क्या है? तो सुनो कि तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है। कौन, राहुल तेवटिया? अरे नहीं यार, ऐसी कोई भी राहुल ले लो। कि तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है, कोई पंजाब वालों को समझाओ आईपीएल 16 ओवर का नहीं 20 ओवर का होता है। ये बढ़िया थी चचा, मतलब सच में भाई लोग पंजाब पता नहीं किस जल्दबाजी में रहती है, मतलब हर बैट्समैन ड्रेसिंग रूम से ठान के आता है कि शुरुआत भैया छक्का लगा के ही करेगा हर बैट्समैन, और छक्के तो लगते रहेंगे चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मतलब 16वें 17वें ओवर में उनके आखिरी के बॉलर्स खेल रहे थे, उसके बावजूद जब इतने ज्यादा रन थे स्कोरबोर्ड
बोर्ड पे। अब किसी एंगल से ये अप्रोच सही भी हो सकती है, किसी एंगल से गलत भी हो सकती है, बट आखिरी में घूम के जब हम स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं तभी ये डिसाइड होता है कि भाई जो इन्होंने करा सही था या गलत था। बट फिर भी देख के थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले हमने आईपीएल में किसी टीम को इस तरीके से खेलते हुए नहीं देखा है। पर जो भी कहो, कल का मैच बड़ा सही हुआ और कसम से बहुत मजा आया देख के। और आज भी है भैया दो दो मैच जहां सीएसके और हैदराबाद पहले मैच में भिड़ेंगी अपनी पहली जीत की तलाश में, तो वहीं दूसरे मैच में मुंबई को भी होगी अपनी पहली जीत की आशा। और बेंगलोर चाहेगी कि जब इस आईपीएल फॉर्म में है तो ऐसे ही आगे चले। कल तो भैया मैक्सवेल भी क्योंकि लौटने वाले हैं। अरे चचा, ए चचा। हाँ बोलो। आज के मैच पे है कुछ कहने को क्या? नहीं, रहने दो, पहले चेन्नई या मुंबई में से कोई जीतेगी तो ही आगे बात होगी। चलो ठीक है, वीडियो के एंड में कुछ कह लेना। तो जब तक चचा एक और लाइन सोचते हैं, तब तक फटाक से आपको हम दिखा देते हैं अपनी आज की गेमसी की बेस्ट फैंटेसी 11। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि जब भी कोई ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो हमेशा दो कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। तो ये रहा हमारा पहले मैच का पहला कॉम्बिनेशन, जहां विकेट कीपर होंगे हमारे निकोलास पुरन, बैट्समैन होंगे उथप्पा, राहुल त्रिपाठी और शिवम दुबे, ऑलराउंडर में आएंगे पिटोरियस, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर और सेफर्ड, और वहीं बॉलर्स की लिस्ट में आएंगे ड्वेन ब्रेवो, क्रिस जॉर्डन और टी नटराजन। पहले कॉम्बिनेशन में हमने कप्तान बनाया है मोइन अली को और वाइस कैप्टन बनाया है रॉबिन उथप्पा को। पहले मैच के दूसरे कॉम्बिनेशन पर नजर डाले तो यहां विकेट कीपर होंगे एमएस धोनी, बैट्समैन होंगे उथप्पा, विलियमसन और शिवम दुबे, ऑलराउंडर में आएंगे पिटोरियस, मोहम्मद अली, वॉशिंगटन सुंदर और शेफर्ड। मतलब ऑलराउंडर पिछले कॉम्बिनेशन के समान ही रखना है। और जब बात आएगी बॉलिंग की, यहां पे हम ड्वेन ब्रेवो रखेंगे, टी नटराजन रखेंगे और रखेंगे उमरान मलिक को। और दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने कप्तान बनाया है शेफर्ड को और ड्वेन ब्रावो को। और अब अगर नजर डालें दूसरे मैच के अपने पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, तो यहां विकेट कीपर होंगे ईशान किशन, बैट्समैन होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। बड़े टाइम बाद हम किसी मैच में पांच बैट्समैन के साथ उतर रहे हैं। ऑलराउंडर में होंगे हसरंगा और शाहबाज अहमद, और वहीं बॉलिंग में हम रखेंगे हर्षल पटेल को, जसप्रीत बुमराह को और आकाश दीप को। और जहां बात आती है अपने पहले कॉम्बिनेशन में कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन होंगे हमारे पहले कॉम्बिनेशन में ईशान किशन जैसा कि आप देख सकते हैं, और वाइस कैप्टन होंगे फैफ डुप्लेसिस। और अब अगर नजर डालें दूसरे मैच के दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, तो यहां विकेट कीपर होंगे ईशान किशन और अनुज रावत, बैट्समैन एकदम सेम रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ऑलराउंडर रहेंगे सिर्फ हसरंगा और बॉलर रहेंगे हर्षल पटेल, टाइमल मिल्स और मुरुगन अश्विन। और यहां पे हम कप्तान बनाएंगे विराट कोहली को और वाइस कैप्टन बनाएंगे रोहित शर्मा को। तो ये रहे हमारे दोनों ही मैच के दोनों कॉम्बिनेशन, जिनके आसपास भी अगर आप टीम का निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर भी निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जेब में बहुत सारा धन होने की आशा रहेगी। बाकी जैसा मैं हर बार कहता हूं, दिमाग को बिल्कुल बंद नहीं करना और पूरा प्रयोग करके ही उसका टीम बनानी है। और दिमाग जब आप खोल ही रहे होंगे तो जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि वहां पे ऐसे मैं कई ऑफर्स डालता हूं हर मैच से पहले, जो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट फी को 90% तक रिड्यूस कर देते हैं। मतलब जैसा मैंने कहा कि 100 रुपए की लीग को आप मात्र 10 रुपए में खेल सकते हैं और एकदम आसान कॉम्पिटिशन में उतर सकते हैं और लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो चचा कुछ एंड नोट तो दे दो, जब इतना बोले ही हो आज। चलो इतना कह रहे हो तो एक आखिरी लाइन कह ही देते हैं कि अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक दबा देना, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब दबा देना, और एट लास्ट चचा से बातें करके अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बतिया देना, बस खुश। हाँ हाँ खुश। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।